हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के विषय में, यानी कि 12 फरवरी के करंट अफेयर्स के विषय में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी बताते चलेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शन है मुप्पावरापू, वेंकैया नायडू यानी कि एम वेंकैया नायडू, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हाल ही में ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, मुप्पावरापू वेंकैया नायडू यानी कि एम वेंकैया नायडू। तो ये आप इमेज देख रहे हैं, ये वेंकैया नायडू जी हैं जो कि मौजूदा समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में अपने देश के उपराष्ट्रपति हैं। और इन्होंने प्रोफेसर के राम कृष्ण राव की आत्मकथा ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक लिखी है। अगर हम प्रोफेसर के राम कृष्ण राव की बात करें तो प्रोफेसर के राम कृष्ण राव एक महान लेखक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और गांधीवादी इंसान थे। उनको 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि हाल ही में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया ने ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीत ली है, इसलिए उसको इससे सम्मानित किया गया है। अगर हम ICC की बात करें तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं। चलिए ऑस्ट्रेलिया के विषय में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसके पूर्व में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। जो आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हैं, इसके पूर्व में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ या विशाल प्रवाल भित्ति स्थित है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे स्थित है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, जो आप वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, ये कंगारू है। ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लैग है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ICO ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, पुलेला गोपीचंद। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर डी, पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने क्रिकेट पत्रकार एवं फिल्म इतिहासकार राजू भातकन का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो आपको बताना है जाने माने क्रिकेट पत्रकार और फिल्म इतिहासकार राजू भातकन का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर डी, 86 वर्ष। तो हाल ही में जाने माने क्रिकेट पत्रकार एवं फिल्म इतिहासकार राजू भातकन का निधन 86 वर्ष की आयु में हो गया है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये राजू भारतन जी हैं जिनका अभी निधन हुआ है और ये एक प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रकार एवं फिल्म इतिहासकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है हरिद्वार, ऋषिकेश, कोलकाता, मुंबई। तो आपको बताना है कि भारत के किस शहर में पहला
ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने ऋषिकेश में देश का पहला ग्लास फ्लो यानी कि सस्पेंशन ब्रिज बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। यह ब्रिज ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा तथा यह 94 वर्ष पुराने लक्ष्मण झूले के बदले में बनाया जा रहा है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं ये लक्ष्मण झूला है और इसी के बदले में यानी कि इसी को रिप्लेस करके ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जब बन के तैयार हो जाएगा। तो उत्तराखंड के विषय में जान लेते हैं। ये इंडिया का मैप है और इसमें यहाँ पे आपका उत्तराखंड स्थित है और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIFM राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है सुषमा स्वराज राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के विषय में जान लेते हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की बिल्डिंग है और अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो NIFM का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है 11 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, 11 फरवरी। अभी 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस को सबसे पहले 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था जिसके पश्चात हर साल इसे 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली बेचने के लिए मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। तो आपको बताना है कि किस देश ने हाल ही में भारत को एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका ने भारत को एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली बेचने की अनुमति दे दी है। ये अमेरिका है और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। ये अमेरिका का अलास्का वाला रीजन है और अमेरिका यानी कि USA उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत की यात्रा में आ रहे हैं। आपके ऑप्शन है 20 से 23 फरवरी, 22 से 25 फरवरी, 23 से 26 फरवरी, 25 से 28 फरवरी। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, 23 से 26 फरवरी। 23 से 26 फरवरी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। ये हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये व्हाइट हाउस की बिल्डिंग है, यानी कि ये व्हाइट हाउस है जो जहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी की सरकार ने कितनी सीटें जीती हैं? 60, 61, 62, 63। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी कि आपने 62 सीटें जीती हैं और 8 सीटें मिली हैं BJP को। तो टोटल 70 सीटों पर आपने 62 सीटों पर जीत दर्ज की है और वहीं BJP ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है जबकि कांग्रेस का खाता नहीं खुला है।
सो फ्रेंड्स, ये था करंट अफेयर्स का आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली की वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। थैंक यू।